कि राणा दिल्ली जाएगा, शिवहर का हक छीन करके लाएगा। आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका भाई, आपका भतीजा आपके हक को छीन चलाने वाले लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि ये एक क्रांतिकारी धरती शिवहर और चंपारण की धरती, जहां कुछ साल पहले एक बैरिस्टर साहब आए थे जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इस चंपारण की धरती ने उन्हें एक उपाधि दिया, महात्मा का उपाधि दिया। अब पूरे विश्व में कैसे शांति से क्रांति लाया जाता है उसका उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। और दूसरे बैरिस्टर साहब जिनका नाम मसूदीन ओवैसी साहब है, आज इतना घबरा गई है सरकार, ढाका की धरती पे, चंपारण की धरती पे वो पहली बार आने वाले थे, लेकिन सुबह बारिश का बहाना बना करके और न जाने कौन कौन से तकनीकी कारण करके उत्तर प्रदेश में हमारे नेता हैं, आने के लिए परेशान हैं, लगातार हेलीकॉप्टर और करे तरह तरह के कारण जो है बनाए जा रहे हैं, और हमारा नेता यहाँ कैसे ना पहुँचे इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जवाब जो है हम देंगे उनको इस बार, कितना रोकोगे, कब तक रोकोगे? एक अकेला शेर जिस तरीके से मोदी जी के आंख में आंख डाल करके लगातार लड़ता आया है, दूसरे शेर हमारे औरंगाबाद के सांसद हमारे बड़े भाई इम्तियाज साहब उनका साथ दे रहे हैं, और इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो किशनगंज से अख्तरुल इमाम साहब जिनके नाम में ईमान है, लोगों ने इनको डिप्टी सीएम तक का पद देने का प्रयास किया, 5 विधायक को तोड़ने का प्रयास किया, 4 को तोड़ लिया, लेकिन 5वें हमारे अख्तरुल इमाम साहब जिनको डिप्टी सीएम से लेकर के करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन जो ईमान का पक्का एमआईएम का सिपाही वो कभी नहीं टूट सकता। दूसरी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं और हमारे पार्टी में दीवाने होते हैं, 100 कार्यकर्ता हमारा एक दीवाने के बराबर है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे अख्तरुल इमाम साहब का स्वागत करें, हमारे इम्तियाज जलील साहब का स्वागत करें और वादा करें कि ये ढाका की धरती, शिवहर की सरजमी एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला देने जा रही है। एक सांसद, अगर आपने शिवहर से एक सांसद बनाया, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले विधानसभा में आपके 50 विधायक होंगे और अगली जो सरकार होगी वो आप तय करेंगे, एमआईएम तय करेगी कि किसकी सरकार होगी। दूसरे पार्टियों का आलम क्या है आपको पता है, आरजेडी की जो कैंडिडेट आई है अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन गलत समय पे, गलत पार्टी से गलत जगह पे आ गई। आरजेडी के जितने मैनेजर हैं आज की डेट में, जितने कार्यकर्ता जो मेन आदमी वहां बने हुए हैं, वो सारे वही लोग हैं जो कुछ साल पहले यहाँ के पूर्व सांसद रमा देवी जी के मैनेजर थे, टोटल वही लोग हैं। जब वो कैंडिडेट आपके पास आए तो उनसे पूछिएगा कि क्या आप मोदी जी के कोई किसी भी योजना के खिलाफ, सीए हो, एनआरसी हो, उसके खिलाफ बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि सारा वोट जो है उनको आरएसएस का कैडर दे रहा है, आरएसएस के लोग दे रहे हैं, तो कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकती है, उनसे पूछिएगा। और आज हमारे मधुबन में एक सभा हुआ था तेजस्वी यादव जी का, उसमें एक मुसलमान नजर नहीं आया उसके अंदर, केवल जो कार्यकर्ता है वही नजर आए। जो खामोशी है, ये खामोशी 25 तारीख को बटन दबा करके जनता देगी। जिस तरीके से गुलामी के जो जंजीरें आप में जकड़ी हुई हैं, पहले आपके पास कोई वोट तक मांगने नहीं आता था, लेकिन एमआईएम का कैंडिडेट जब यहाँ खड़ा हुआ है तो आपके पास आरजेडी के लोग जा रहे हैं, आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, आपका वोट मांग रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह हुई कि मधुबन की सभा में मैंने देखा कि मुसलमान के नेता जो तीसरे पंक्ति में बैठा करते थे, उनको तेजस्वी जी ने अपने बगल में बिठाया। एक तरफ आपके पूर्व विधायक जिनको पहले कुर्सी नहीं मिला, उसके चलते विवाद हुआ, उनको बगल में बिठाना पड़ा, और दूसरी तरफ हमारे शाहीन साहब बैठे हुए थे। तो ये ताकत जो है अब नज़र आया है, अब आपकी ताकत को उन्होंने महसूस किया है। इस बार अपनी ताकत को दिखाइए, अपनी गिनती को गिनाइए। मैं क्षत्रिय का धर्म निभाने निकला हूँ, एक क्षत्रिय का धर्म है कि अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए सर कटा लीजिए। मेरे पिताजी आपके सांसद रहे, आपके बीच रहे, उसके बाद लगातार कोई बाहरी आकर के यहाँ का सांसद बनते चला गया। शिवहर में उस सहरसा के विधायक साहब के क्या हालात हैं आपसे छिपा हुआ नहीं है, वो विधायक जी अपने क्षेत्र में वोट तक मांगने नहीं जा पाते हैं। उस पार्टी के जो नेता हैं वो तो ये तक नहीं बताना चाहते कि मैं किस पार्टी से लड़ रहा हूँ, उनका सिंबल क्या है,
वो तो तीर छाप का नाम तक नहीं लेना चाहते, वो तो हर जगह फूल को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि हम फूल छाप से ही हैं। आपको देखा जा चुका है कितनी बार आप लड़ चुकी हैं, जो महिला लवली आनंद जी लड़ रही हैं उनकी पत्नी कितने चुनाव लड़े हैं, कितने हारे हैं, कितनी पार्टियों से लड़ चुकी हैं, उनसे पूछिएगा, मुझे लगता है कि उनको याद भी नहीं होगा कि कितनी पार्टियों से वो लड़ चुकी हैं। और शिवहर ने, ढाका ने देखा है उनके काम को। तो जब अपना बेटा काबिल है, सबसे पढ़ा लिखा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इतना मेहनत करने की क्षमता रखता है, आप 3 साल से आप देख रहे होंगे मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका भाई आपका परिवार का सदस्य है, बाकी जितने भी लोग हैं बाहर के लोग होटल में कमरा लेकर के रह रहे हैं। 25 तारीख को चुनाव खत्म होगा, होटल का पेमेंट होगा, सहरसा सुंदरसा चले जाएंगे, आप ढूंढते रह जाइएगा, और ना उनका घर मिलेगा ना उनका पता मिलेगा। मैं आपके बगल का हूँ, आपने मेरा घर भी देखा है, मेरे पिताजी का काम भी देखा है, मेरे संस्कार, मेरे अंदर जो खून है, मेरे पिताजी के रघु का खून है, उनके अधूरे काम को करने निकला हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आपका साथ मुझे मिल रहा है, मिलेगा, और आपका बेटा आपका भाई आपका परिवार का सदस्य के रूप में आपके हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। एक कोरा कागज हूँ, आपका भाई हूँ, मुझे मौका दीजिए, और आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका भाई के रूप में, आपका MP बनने के बाद भी आपके भाई के रूप में आपके बीच में रहूँगा, उसी शिद्दत से जिस तरीके से पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ उसी शिद्दत से मैं मेहनत करूँगा। एक छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जिस तरीके से एक छोटा सा हाथी जब उसको सिक्कड़ से बांध दिया जाता है वो तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन छोटा होता है वो हाथी, उसको नहीं तोड़ पाता है, उसके जहन में ये बात चली जाती है कि सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं तोड़ नहीं पाऊँगा। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है हाथी, बहुत मजबूत हो जाता है, उसके बाद वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि ये सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो अकलियत के भाइयों, दलित के भाइयों, आप बहुत मजबूत हैं। लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या होती है अधिक वो सबसे मजबूत होता है। अपनी गिनती कराइए, अपनी ताकत को दिखाइए और अपने हक को लीजिए। और मेरे भाई ने जो नारा दिया है कि राणा दिल्ली जाएगा, शिवहर का हक छीन करके लाएगा, आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका भाई आपका भतीजा आपके हक को छीन करके लाएगा।